नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर इज़ फूड प्रॉब्लम इन इंडिया. फूड प्रॉब्लम इंडिया में होने का मतलब, पहले हम लोगों ने सारे ऑन द होल जो फूड प्रॉब्लम्स चलती हैं उसके बारे में पढ़ा था. अब इंडिया के बारे में स्पेसिफिकली फूड प्रॉब्लम क्या है और कैसे इनसे दूर हुआ जा सकता है, तो उसके बारे में है, कैसे इनको दूर किया जा सकता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इज़ टू इंक्रीज द एनर्जी इनटेक ऑफ द बॉटम 30% ऑफ द पॉपुलेशन एंड एट द सेम टाइम फैसिलिटेट डाइट डाइवर्सिफिकेशन टू मीट माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी. तो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होने का मीनिंग क्या है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स, तो इनमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने का मतलब क्या है कि जो माइक्रो जो बायोलॉजिकल बायोकेमिकल लेवल पे जितने बायोकेमिकल्स बॉडी को ज़रूरत बॉडी बॉडी को नेसेसरी रहते हैं. बायोकेमिकल्स इन मीन टू से द विटामिन्स द प्रोटीन्स द कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स, इन सब की मात्रा जो है वो बराबर के वो शरीर की ज़रूरत के हिसाब से पूरी होनी चाहिए. तो जो बॉटम 30% पॉपुलेशन है इंडिया की, यानी गरीबी रेखा से नीचे वाले 30% लोग जो हैं, उनके उनके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को पूरा करना सबसे बड़ा चैलेंज है आज के टाइम पे. द फूड गैप कैन बी मेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फूड ग्रेन स्टॉक्स इन द मीडियम टर्म एंड बाय इंक्रीजिंग देयर परचेजिंग पावर इन द लॉन्ग रन थ्रू इंक्रीजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़. तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने से जो फूड गैप है, फूड की कमी है, उसको पूरा किया जा सकता है. ग्रीन स्टॉक्स जो हैं उनमें अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा दी जाती हैं तो इस चीज़ से जो फूड की सप्लाई है फूड डेफिशिएंट एरियाज़ में वो अच्छे से की जा सकती है. द माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कैन बी रेक्टिफाइड थ्रू सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन एंड द सप्लाई ऑफ द फोर्टिफाइड फूड. तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है वो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो है, यानी खाने के अलावा अलग से कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं सप्लाई किए जा सकते हैं, एंड सप्लाई ऑफ फोर्टिफाइड फूड. फोर्टिफाइड फूड होने का मतलब क्या है, जैसे जिंक फोर्टिफाइड फूड होते हैं, आयरन फोर्टिफाइड फूड होते हैं, तो इस तरीके के केन्ड फूड जो हैं वो अप्लाई किए जा सकते हैं, वो सप्लाई किए जा सकते हैं जिनमें अलग से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ऐड करवाया जाता रहे. देयर इज़ ऑल्सो ए नीड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द वेरियस फूड स्कीम्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट एंड मेक इट मोर अवेलेबल एंड फ्री ऑफ करप्शन एंड अर्बन बायास. तो यहाँ पे सबसे बड़ी ज़रूरत आज के टाइम पे है कि गवर्नमेंट के थ्रू जो स्कीम्स जो रूरल और अर्बन एरियाज़ में लोगों के लिए बनाई गई हैं, तो फ्री ऑफ करप्शन उन स्कीम्स को चलाया जाए. गवर्नमेंट जो फूड ज़रूरतमंद लोगों के लिए पहुँचाती है, वो फूड उन तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, इस चीज़ की प्रॉपर देख रेख की जाए. हाउएवर, फॉर दोज हु आर अराउंड द पॉवर्टी लाइन, दिस हैज़ टू बी अंडरस्टूड एज ए डिस्ट्रेस फिनोमिना एज विद मार्जिनल इंक्रीज इन देयर इनकम्स ओवर टाइम दे आर फोर्स्ड टू कट डाउन ऑन देयर फूड कंजम्पशन टू मीट अदर प्रेसिंग डिमांड्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन दैट वर नॉट कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इन द पास्ट. तो इन चीज़ों की जो नॉलेज है वो लोगों को दी जाए, जानकारी दी जाए कि फूड कंजप्शन को कम करने की बजाय जो फूड इकोनॉमीज जो गवर्नमेंट सप्लाईज जो फूड के लिए दी जाती हैं उनको अपनाया जाए. फूड इज़ स्टिल नीडेड बट नॉट डिमांडेड फॉर लैक ऑफ मनी. तो पैसों की कमी की वजह से फूड की ज़रूरत तो है लेकिन वो डिमांड नहीं किए जाते हैं. एंडेमिक हंगर कंटिन्यूज टू अफ्लिक्ट ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑफ इंडियन पॉपुलेशन. तो एंडेमिक हंगर जो है, एंडेमिक हंगर होने का मतलब क्या है कि एक कम्युनिटी जो है वो हंगर से जूझती रहती है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मनी एंड लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. इंडियन पॉपुलेशन अफ्लिक्ट लार्ज पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन. तो इंडियन पॉपुलेशन के बहुत बड़े पोर्शन को ये चीज़ जो है वो अफ्लिक्ट करती है. इंटरनेशनली इंडिया इज़ शोन टू बी सफरिंग फ्रॉम अलार्मिंग हंगर.
तो इंटरनेशनली इंडिया जो है उसको अलार्मिंग हंगर जो है, यानी ये चीज़ देखने को मिलती है कि इंडियन जो पॉपुलेशन है वो आज भी हंगर से जूझ रही है। रैंकिंग 66 आउट ऑफ द 88 डेवलपिंग कंट्रीज स्टडीड बाय IFPRI इन 2008। तो IFPRI इन 2008 की हेल्प से जो रिलेटिव जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके बीच में इस चीज़ को रीड आउट किया गया है, तो इंडिया जो है वो 66 नंबर पे है 80 आउट ऑफ 88 कंट्रीज़। ठीक है,